हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, जो कि गेट 2025 जो हमारी अभी एग्जाम आएगी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। और भी काफी सारे एग्जाम्स है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, MSc, BSc, नीट, फर्स्ट ग्रेड हुआ हमारा, उन सब में क्या है ये वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है हमारी मोनोकोट प्लांट में एंड डाइकोट प्लांट में किस टाइप की होती है, वो सब चीजें हमने देखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक जो पेज है वो स्टार्ट कर दिया था, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है ये चीज मैंने आपको समझाया था। इसके अंदर क्या होता है, हमारे दो टाइप के जो टिश्यूज है जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जो है ये मिलकर के क्या करते हैं, ये जो थिकनेस होती है हमारे प्लांट की उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि लैटरल जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वहां पर वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये सारे टिश्यूज मिलकर के इंक्रीज करते हैं ग्रिफ्ट एंड थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। इसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। एंड सेकेंडरी ग्रोथ जो है हमारी नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, चीज भी बताई थी मैंने, रूट एंड स्टेम जो होते हैं डाइकोटिलेडन्स एंड जिम्नोस्पर्म की, उनमें नॉर्मली हमारी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो ये स्लाइड जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आगे हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, फिर उसके बाद हम देखेंगे रूट के अंदर, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन बाय वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू स्टीलर रीजन जो होता है उसके अंदर हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन बिगिंस अर्लियर देन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट पॉइंट है हमारा। फिर सेकंड है एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है हमारे। फिर है फॉर्मेशन ऑफ एंगुलर रिंग्स, तो एनुअल रिंग्स 3 पॉइंट है इसके अंदर। यहां तक हम देखते हैं एक बार। फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, इसमें अगर हम देखें तो ये कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम ही कैम सॉरी वेस्कुलर बंडल्स मींस प्राइमरी जाइलम एंड जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसके बीच में क्या है हमारे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का जो कैम्बियम होता है उस कैम्बियम को बोला जाता है हमारे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि हमारे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जैसे इस तरह से मैं बनाऊं वेस्कुलर बंडल, इस तरह से बीच में क्या है हमारे कैम्बियम प्रेजेंट होता है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। और उसके बाद है इस टाइप का जो, दिस इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ मेडुलरी वेज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विच इज ए सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। इंट्रा कौन सा होता है, जो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बनता है, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा है, जो कि सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम के बीच बनता है। प्राइमरी जो लैटरल मेरिस्टेम होता है उसके अंदर इंट्रा होता है, सेकेंडरी में होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर है इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर कलेक्टिवली नॉन एज वेस्कुलर कैम्बियम या फिर इंट्रास्टीलर कैम्बियम इसको बोला जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट रिंग विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन डाइकॉट स्टेम द वेस्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो आपको सबसे पहले समझाऊं, जब प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम होता है इनके बीच में कैम्बियम बनता है तो उस कैम्बियम को बोला गया है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इस टाइप का जो कैम्बियम होता है उस ये कहां से बनता है या इसको क्या बोला गया है, लैटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम। एंड सेकंड हमारे लैटरल मेरिस्टेम किसको बोला गया है, जिसमें हमारे क्या होता है सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम हमारे सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम से बनता है, और इस टाइप का जो कैम्बियम होता है उसको बोला गया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो डाइकॉट स्टेम है वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हमारे पार्शियली प्राइमरी रीजन के हैं या फिर पार्शियली सेकेंडरी रीजन से इनका क्या है ओरिजिन हुआ है। टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द रिंग ऑफ दिस वेस्कुलर कैम्बियम। फेसिकुलर इनिशियल्स एक है, रे इनिशियल्स,
फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है, वेयर एज रे इनिशियल्स जो होता है स्फेरिकल राउंडेड एंड ओवल शेप के होते हैं। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स जो है वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं इन वेस्कुलर कैम्बियम। दो टाइप की सेल्स पाई जाती है वेस्कुलर कैम्बियम में, एक फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स, एक है रे इनिशियल्स। तो रे इनिशियल्स जो होते हैं वो नंबर में कम होते हैं एंड ओवल शेप के ये होते हैं, जबकि फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स जो होते हैं वो नंबर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड इनका जो एंड्स होते हैं लॉन्ग होते हैं और इनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड टाइप के प्रेजेंट रहते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखा था हम वेस्कुलर कैम्बियम में जो रिंग्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे हो रहा है। अब सेकेंड है हमारे जो वेस्कुलर कैम्बियम बना उसकी एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स, इसका नंबर ज्यादा होता है एंड इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, चीज मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है। अब देखते हैं, कंटिन्यूस पेरिक्लिनल डिविजन्स टेक्स प्लेस इन फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स व्हेन फ्यू सेल्स आर फॉर्म टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है, पेरिफेरी की तरफ बनती है एंड दीज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी फ्लोएम, सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम एंड बास्ट। आपको पता है फ्लोएम को बास्ट भी बोला जाता है, मैंने जब फ्लोएम पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था कि फ्लोएम को बास्ट भी बोला जाता है। एंड द सेल्स विच आर फॉर्म टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि सेंटर की तरफ बनती है, आर डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी जाइलम, जिसको बोला गया है वुड। आप लोगों को ये चीज तो पता होगी, सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो वुड में डिफरेंशिएटेड होता है। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड, जो इनर साइड की तरफ जो प्रेजेंट हमारा कैम्बियम होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू आउटर साइड प्रेजेंट कैम्बियम के। नॉर्मली मोर सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, नॉर्मली सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज्यादा बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम के कंपेयर में, यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, कुछ हॉर्मोन्स की वजह से। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड 8 to 10 टाइम्स मोर कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, ये ज्यादा नंबर में बनता है। अब देखो ये है प्रोकैम्बियम सेल्स ऑल अलाइक, यहाँ क्या है प्रो वेस्टिकुलर टिश्यूज बने हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम है ये पूरा का पूरा इस तरह से। फिर है यहाँ पर एपिडर्मिस, ये है कॉर्टेक्स, ये है प्राइमरी फ्लोएम एंड अंदर की तरफ हमारे क्या है प्राइमरी, ये देखो प्राइमरी जाइलम, ये है प्राइमरी जाइलम एंड ये है प्राइमरी फ्लोएम एंड इसके बीच में क्या है इंट्रा वेस्टिकुलर कैम्बियम। आपको पता है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है वो इंट्रा वेस्टिकुलर होता है, जबकि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी जो फ्लोएम होता है हमारा उसके बीच में जो हमारे कैम्बियम प्रेजेंट होता है वो होती है हमारी इंटर वेसिकुलर कैम्बियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ होता है सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम एंड यहाँ होता है प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम, गॉट इट। अब चलते हैं आगे। बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑल द प्राइमरी टिश्यू सच एज जैसे कि प्राइमरी जाइलम पिथ आर पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे ही हमारे क्या है कुछ प्रेशर हम डाल दें तो प्राइमरी टिश्यू जो है कौन कौन से प्राइमरी जाइलम हुआ एंड पिथ है वो सेंटर की तरफ और ज्यादा दसने लगते हैं। प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर, प्राइमरी फ्लोएम एंड अर्लियर सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये हो गया हमारे किसके बारे में, ये था हमारे फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स की एक्टिविटी कैसे थी। इसमें एक्टिविटी हम देख रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम में, इसमें दो टाइप की है। अब सेकेंड है हमारी रे इनिशियल्स की, वो थी फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स की, अब है रे इनिशियल्स। ड्यू टू पेरिकुलर डिविजन रे इनिशियल्स कट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, ओके, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर रेज, जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शंस। ये क्या करती है, कंडक्ट करती है वाटर एंड फूड इन रेडियल डायरेक्शन। यहाँ क्या बोला गया है, इसको बोला गया है वेस्कुलर रे, जिसके अंदर आता है हमारा जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो की पासेस थ्रू द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम में, जो भी कहां से रेडियल डायरेक्शन के अंदर। एंड ये क्या करवाती है, रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन करवाती है फूड एंड हमारे वाटर का। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर रेज आर बोथ
सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, ठीक है। और यहां देखो पूरी इसमें स्ट्रक्चर बता रखी है प्राइमरी फ्लोएम की, प्राइमरी जाइलम की, लेंटी सेल्स की, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं सारी चीजें। ये देखो एपिडर्मिस है हमारी, फिर है हमारे कॉर्टेक्स, फिर है प्राइमरी फ्लोएम, ये है हमारे प्राइमरी फ्लोएम, ये देखो ये है प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। अलग अलग कलर से मैं शो करती जा रही हूँ, आपको समझ में आएगा। फिर है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, जो ये रिंग है ब्लू वाली, ये है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये देखो ये वाली, ठीक है। फिर है प्राइमरी जाइलम, पहले प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ये है प्राइमरी जाइलम, ये ब्लू कलर का, ये जो कि सेंटर की तरफ पुश किया हुआ है, ठीक है। फिर है हमारे सेकेंडरी जाइलम, ये है हमारे सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। फिर है सेकेंडरी फ्लोएम, ये देखो ये रहा सेकेंडरी फ्लोएम, तो जो ये रिंग है ये है हमारी सेकेंडरी फ्लोएम। फिर उसके बाद यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, हमारे कॉर्क दिया हुआ है, कॉर्क कैम्बियम दिया हुआ है, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फैलोडोम भी बोला गया है। गॉट इट। तो एक बार तीनों को हमारे मिलाकर के पेरिडर्म बोला जाता है, जैसे कि कॉर्क हुआ, एक हमारे कॉर्क कैम्बियम हुआ, एंड लास्ट है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनके और भी दूसरे नाम है, एक बार मैं यही वाले नाम लिख रही हूँ, तो इसको बोल, इन सब चीजों से मिलकर के बनता है हमारे पेरिडर्म, ठीक है। तो यहाँ ये देखो बहुत अच्छे से इस डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट है। ये देखो कॉर्क बन गया सबसे आउटर साइड में, उसके बाहर की तरफ लेंटी सेल्स बनते हैं, आपको पता है लेंटी सेल्स जो इस टाइम होता है उसके अंदर क्या है, इस तरह से लेंस की शेप के लेंटी सेल्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो सबसे आउटर लेयर के ऊपर क्या है, लेंटी सेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद है कॉर्क जिसको फैलोजन भी बोला जाता है, फिर है हमारे कॉर्क कैम्बियम, ये वाली लेयर जो है ये है हमारे कॉर्क कैम्बियम, फिर बोला गया है हमारे क्या है इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फैलोडोम। तो जो ये वाली लेयर है ये फैलोडोम है, एंड ये जो अलग कलर से बनाती हूँ, एंड ये जो इस तरह से लाइनिंग है ये है हमारे कॉर्क कैम्बियम, ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिर है फर्स्ट ईयर हमारी ये वाली रिंग बन रही है, सेकेंड ईयर में हमारी ये वाली रिंग बन रही है, थर्ड ईयर में इसके अंदर वाली रिंग बन रही है। इस तरह से हमारे तीन रिंग्स बनी है, एंड ये कहला रही है हमारी सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम की भी तीन रिंग है, ये देखो सबसे पहले अंदर वाली रिंग बनी, फिर उसके बाहर वाली रिंग, फिर उसके बाहर वाली, ठीक है। तो सबसे पहले साल में हमारी ये, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है हमारी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन कर दी। अब यहाँ हम देखते हैं प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम जो कि हमारा बच रहा है। तो ये देखो ये हमारी जाइलम है जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ये हमारी फ्लोएम है, देखो अलग काफी जगह पर प्रेजेंट है इस तरह से। तो ये है हमारी प्राइमरी फ्लोएम एंड ये है हमारी प्राइमरी जाइलम, और इस तरह से यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। थोड़ा इसका डेप्थ में डायग्राम था, इसकी जो थ्योरी है अभी बच रही है, ये तो मैंने डायग्राम पहले समझा दिया, बीच में आ गया था इसलिए। ये देखो यहाँ है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडंस या फिर डाइकॉट के इस टाइम में जो कि हम पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो इनका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, सबसे पहले हमारे कैम्बियम सेल्स होती है, ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे जाइलम बन रहा है, ये लो एक सेल से, उसके बाद क्या है हमारे बीच में कैम्बियम रह गया, आउटर साइड हमारे पेरिफेरी की तरफ हमारे क्या बन रहा है जाइलम, सॉरी फ्लोएम बन रहा है, एंड सेंटर की तरफ हमारे बन रहा है जाइलम। तो इसको जेड वन लिखा है, सॉरी एक्स वन लिखा है, इसका मतलब ये प्राइमरी जाइलम है, पी वन है, इसका मतलब ये प्राइमरी फ्लोएम है। यहाँ तक इसका डेवलपमेंट हुआ, आगे चलते हैं। फिर क्या हो रहा है, इस तरह से हमारी ये बीच की सेल जो है वो कैम्बियम सेल, ये तो आपको पता है जो कि सी से डिनोट की हुई है यहाँ पर, ये देखो कैम्बियम, एंड यहाँ पर ये देखो कैम्बियम। फिर उसके बाद है हमारे जो जैसे कि ये सेल है हमारी, तो यहाँ पहले कोई चीज बन गई तो इसी के यहाँ पर कोई दूसरी सेल वापस बनेगी, जैसे कि ये जो पहले बन रहा है ये तो आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर कोई नया आकर के फ्लोएम बनेगा, यहाँ इस तरह से बताया हुआ है। इस तरह से इन चीजों का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मैं बनाऊं ये है हमारे कैम्बियम, उसके बाद है हमारी इस तरह से प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन हो गया एंड प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया,
एंड अब वापस इसके अंदर और आगे जाकर के सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होना है, तो जो ये वाला एरिया है यहाँ पर हमारे सेकेंडरी जाइलम एंड यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पर होगा सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन। तो यही चीज यहाँ पर बताई हुई है। ये देखो ये कैम्बियम सेल हो गई हमारी, इसके बाद जाइलम फर्स्ट हमारे टॉर्स द सेंटर है, ये है टॉर्स द पेरिफेरी जिसके अंदर कंपेनियन सेल शो कर रखे, ठीक है। यहाँ ओनली जाइलम जो सेकेंडरी जाइलम जो है उसका फॉर्मेशन दिखा रखा है इस डायग्राम तक, डायग्राम डी तक। आगे चलते हैं हम, तो आगे देखो वही प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम जो कि कैम्बियम सेल जो है हमारी उसके पास में बन रहा है, ये देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद है प्राइमरी जाइलम हमारा टॉर्स द पेरिफेरी, सॉरी फ्लोएम जो है टॉर्स द पेरिफेरी किसक तक गया एंड यहाँ पर क्या है हमारे सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या हो रहा है ये देखो, पूरा टोटली यहाँ पर डेवलपमेंट दिखा रखा है अच्छे से। ये देखो कैम्बियम सेल है हमारी यहाँ पर इस तरह से, फिर है जाइलम सेकेंड, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड उसके बाद है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ये देखो। एंड इनके अंदर और भी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि हमारे वेसल सेल्स हो गए जो कि जाइलम में बनती है, कंपेनियन सेल हो गई, स्लीव ट्यूब्स हो गई, ये सब चीजें इसमें बता रखी है। बट मोस्ट चीज यहाँ पर क्या है कि किस तरह से हमारे कैम्बियम के पास में प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन होने के बाद कैसे सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम का फॉर्मेशन होता है, वो चीज इसके अंदर बताई हुई है। तो जस्ट हमारे बीनीथ में ही हमारे जो कैम्बियम सेल है उसके बीनीथ में ही क्या है हमारे सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ये देखो पहले हमारी जो प्राइमरी है वो आगे की शिफ्ट हो रही है, सेकेंडरी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मैंने इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की। तो इसका डेवलपमेंट था कैसे इस टाइम में अलग अलग रिंग्स जो बन रही है, सबसे पहले क्या बनी, फिर कैसे हमारी सेंटर की तरफ जा रही है या फिर पेरिफेरी की तरफ जा रही है एंड उसके बाद अंदर की तरफ और रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं एनुअल रिंग्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देखते हैं एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम की अनइक्वल एक्टिविटी के कारण क्या है हमारी एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डज नॉट रिमेन सेम, ठीक है, इट इज चेंजेबल इन द होल ईयर। एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि ये कभी भी ना मतलब पूरे साल में एक जैसी नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है पूरे साल में, जैसे जैसे इसके पास कंडीशंस आती है, जैसे कि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आए, उसके अकॉर्डिंग क्या इसकी एक्टिविटी में चेंजमेंट होता रहता है। इन टेम्परेट रीजन्स द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। In the spring season, vascular cambium is very active and produces a large number of secondary jhilum element having vessels with wider cavity and lumens इसके अंदर present रहता है, क्योंकि spring season जो होता है उसके अंदर vascular cambium जो है बहुत ज्यादा active होता है। अब spring season में वहां जो present प्लांट्स है उसके अंदर क्या है जो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, और आपको ये चीज पता है सेकेंडरी जाइलम जहां भी बन गया उसका मतलब क्या है वहां पर वुड का फॉर्मेशन हो गया। फिर है द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग सीजन एंड अर्ली वुड। ये देखो यहाँ आगे लिखा हुआ जो चीज मैं आपको ऊपर बता रही थी, इन विंटर एंड ऑटम सीजन द वैस्कुलर कैम्बियम इज लेस एक्टिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमारी, क्या बोला गया है स्प्रिंग सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव रहते हैं जिस वजह से यहाँ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है एंड स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड का फॉर्मेशन होता है। बट जैसे ही विंटर सीजन या ऑटम सीजन होता है वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत लेस हो जाती है एंड फ्यू नंबर में यहाँ क्या है सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। अब फ्यू नंबर में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब बहुत कम अमाउंट में हमारे वुड का फॉर्मेशन होगा, या फिर इस टाइप की जो देखो सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट फ्यूअर नंबर में बनेगा एंड दैट हैव वेसल्स आर नैरो ल्यूमन, जबकि यहाँ पर वाइड कैविटी या ल्यूमेंस उसके अंदर बन रही थी। एंड दिस वुड इज कॉल्ड विंटर वुड एंड ऑटम वुड या फिर लेट वुड बोला जाता है, जबकि इसको स्प्रिंग वुड को
अर्ली वुड बोला गया, गॉट इट। फिर है स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, यहाँ क्या है स्प्रिंग वुड जो है कलर में लाइट होती है एंड फ्यू डेंसिटी वाली होती है, जबकि ऑटम वुड जो होती है कलर में बहुत डार्क होती है एंड हाई डेंसिटी की वो प्रेजेंट रहती है। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। और ये क्यों बन रही है, किसमें बहुत ज्यादा हमारे वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिव होता है एंड किसमें कम होता है, जिसमें ज्यादा एक्टिव होता है उसमें क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोनों दिनों, ठीक है। अब है कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, ये देखो। The autumn spring wood is formed in the form of concentric ring, जिसको ग्रोथ रिंग बोला जाता है। सबसे पहले एक रिंग बनी, दूसरी रिंग बनी, तो इस तरह से concentric rings कहलाते हैं। Two kinds of woods are appear as alternate concentric ring या constituted of an annual rings। A ring of autumn wood and a ring of spring wood, इनको collectively बोला जाता है हमारे annual rings। ये चीज मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में क्लियर की है, annual rings में कौन सी wood आती है। The number of annual rings formed in a tree given the idea of age of tree, ये जो rings बनती है इनसे हमें idea लगता है कि कितनी एज है हमारी tree की। और इसकी जो study होती है, study of determination of age of a tree या फिर plant by counting annual rings is called dendrochronology। अब है the annual rings are counted from the base of the stem because basal part has maximum annual rings and upper part has less, ठीक है। जो base part होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा annual rings बनती है compared to upper part, therefore counting from the basal region can give the correct idea। अगर basal region से हम tree के या plant के counting करते हैं annual rings को, तो हमें सही idea मिलता है हमें किस plant की कितनी age हुई है। study जो होती है plants की, हम annual rings के हिसाब से करते हैं age की, तो उस study को बोला जाता है dendrochronology। A piece of wood is taken from the stem up to central region from the base of stem with the help of increment border instrument, the annual rings are counted from that piece and again inserted into the same stem at the same piece, okay। अब है more distinct oblique clear annual rings are formed in that regions where climatic variations are sharp, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं, बाकी के पॉइंट्स देखो। यहाँ मोर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर फॉर्म इन टेम्परेट प्लांट्स में है, जबकि क्लियर एनुअल रिंग्स हमारे कौन से, जो क्लाइमेटिक वेरिएशन यहाँ शार्प होती है, जबकि यहाँ क्या बोला गया है मोर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, टेम्परेट प्लांट्स में, बिकॉज इन टेम्परेट रीजन था क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, जबकि डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली रिंग्स इसलिए फॉर्म नहीं होती है इन इंडिया, जैसे कि हिमालयन रीजन, शिमला, नैनीताल एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या बोला गया है, एनुअल रिंग्स जो है हमारी क्लियरली फॉर्म नहीं होती है ट्रॉपिकल प्लांट्स में, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो एनुअल रिंग्स होती है वो क्लियरली फॉर्म नहीं होती है, रीजन क्या है इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर है लीस्ट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स बनती है हमारी सी हॉर्स रीजंस में, कोस्टल रीजंस में, बिकॉज द क्लाइमेटिक रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। मोर क्लियर एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन डेसिडुअस प्लांट्स एंड कंपेयर टू एवरग्रीन प्लांट्स इन टेम्परेट रीजन, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी ऊपर भी। इन डेजर्ट एनुअल रिंग्स आर लेस डिस्टिंक्ट, ठीक है। एनुअल रिंग्स बैंड्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड जाइलम रेज आर प्रेजेंट। तो ये थे हमारे एनुअल रिंग्स के बारे में, और किस तरह से इस टाइम में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ बनती है, वहाँ क्या क्या होता है, किस टाइप से हमारे वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, क्या एक्टिविटी होती है वैस्कुलर कैम्बियम की। थर्ड पॉइंट था हमारा एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सारी चीजें हमने अच्छे से क्लियर की। अब हम देखते हैं हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड कैसे बनती है एंड क्या होती है। इन ऑल्डर ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क कलर, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम जो होता है बहुत ज्यादा इसका पार्ट होता है, ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, जो कलर में होता है डार्क ब्राउन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिंस, रेजिन्स, गम्स, ऑयल्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस लाइक एसेट्रा आर फिल्टर्ड इन ल्यूमन ऑफ ट्रैकेस एंड वेसल्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम ड्यू टू दिस सेंट्रल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम बिकॉज डार्क ब्राउन।
डार्क ब्राउन होता है, इस वजह से इसको बोला गया हार्टवुड एंड ड्यूरेमन। दो नाम है हमारे हार्टवुड के, ड्यूरेमन भी बोला गया या फिर हार्टवुड भी बोला गया है। इसमें क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसकी वजह से बनती है एंड ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। एंड जो हमारे सेकेंडरी जाइलम होता है इसके अंदर ट्रैकीफाइन वेसल्स होती है, उसकी जो ल्यूमन होता है वो कौन कौन से सब्सटेंस से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो फिल्डेड रहती है, जैसे कि लाइक टैनिंस, रेजिन्स, गम्स, ऑयल्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा। दिस सब्सटेंस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। हार्डवुड कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड फॉल्स। हार्टवुड क्या करती है, हमारे प्रोवाइड करवाती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ पेरिफेरल रीजन में सेकेंडरी जाइलम होता है, बट वो कलर में कैसा है, लाइट इन कलर। तो क्या बोला गया है, इस वुड को शैपवुड या एल्बरनम वुड बोला गया है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये देखो लाइट कलर की होती है ये सेकेंडरी जाइलम जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल रीजन पे होता है, जबकि हमारी सेकेंडरी जाइलम जब सेंट्रल रीजन पे होता है एंड डार्क ब्राउन कलर का होता है तो हमारे हार्टवुड या ड्यूरेमन बनता है, जबकि पेरिफेरल रीजन पे होता है सेकेंडरी जाइलम और कलर में लाइट होता है तो इसको बोला गया है शैपवुड एंड एल्बरनम। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि हार्टवुड का फंक्शन होता है हमारे मैकेनिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है हमारे स्टेम को। टाइलोसिस ब्लॉक द ल्यूमेन ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। यहाँ क्या होता है, जाइलम जो होता है इस तरह से इसकी जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं एंड टाइलोसिस जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बिकॉज हार्टवुड हमारी कंडक्शन नहीं करवा पाती है वाटर का। क्या करवाती है, इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है बट वाटर का कंडक्शन नहीं करवा पाती है बिकॉज कैविटी ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड विथ वेस्ट मटेरियल्स। ओके, फिर है द ब्लैडर एंड बैलून लाइक इन ग्रोथ ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ये देखो बताया हुआ है, एंटर इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स ट्रैकेट्स थ्रू द पिट्स। यहाँ क्या होती है, एक बैलून लाइक पैरेन्काइमेटस सेल है, इस तरह से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जो कि इस तरह से जो पाथ होता है उसको इस तरह से ब्लॉक कर देती है जिससे वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। सच ब्लैंडर लाइक आउट इन ग्रोथ आर कॉल्ड टाइलोसिस एंड ट्रैकियल प्लक्स। इसको बोला जाता है, बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है इनको टाइलोसिस बोला गया है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइलोसिस ब्लॉक्स द ल्यूमेन ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स। ट्रैकरी एलिमेंट्स में आपको पता है वेसल्स एंड ट्रैकेट्स दोनों ही हमारे आते हैं। ये इस तरह से पैरेन्काइमा सेल्स है, इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर में स्वेलिंग करके इस तरह से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है एंड हमारे जो भी वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन है उसको स्टॉप करती है एंड इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, टाइलोसिस। ये देखो पैरेन्काइमा सेल्स इस तरह से देखो टाइलोसिस का फॉर्मेशन करती है, ये देखो जाइलम वेसल्स। अगर इस तरह से आप देखना चाहो तो इस तरह से ये देखो टाइलोसिस का फॉर्मेशन करती है इस तरह से, जिससे वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसमें मैंने आपको बता दिया टाइलोसिस क्या होता है। अब देखते हैं, हार्टवुड प्रोवाइड स्टिफनेस टू द स्टेम। The waste material of hardwood are antiseptic in nature. Hardwood is resistant to the attack of termites and insects, and in rainy season it does not imbibe water. Thus, it is the best quality of wood. क्योंकि हमारे hardwood जो होती है वो stem को क्या देती है, हमारे stiffness provide करवाती है and इसके अंदर जो waste material है वो antiseptic nature के होते हैं जो कि इसके अंदर बारिश की rainy season जो होता है उस time क्या है, ये resistant रहती है हमारे कुछ भी insects हो termites हो इसके ऊपर attack करते हैं उस चीज के लिए भी and ये क्या करते हैं, हमारे rainy season में जो वाटर एब्सॉर्ब करती है वो और उससे क्या स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फूल जाती है, वो वाली प्रॉपर्टी भी इसके अंदर नहीं होती।
इसलिए बेस्ट क्वालिटी की वुड होती है। स्टडी ऑफ वुड इज नोन एज चाइलोटॉमी। द वुड इज एक्चुअली ए सेकेंडरी साइलम, जो मैं काफी टाइम से आपको बता रही हूँ हर स्लाइड में, जो सेकेंडरी साइलम होता है वो ही हमारे एक्चुअली वुड होता है। पोजिशन ऑफ यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। ये चीज मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट आउटसाइड, जैसे हमारे वेस्कुलर कैम्बियम है इसके जस्ट आउटसाइड हमारे सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा एंड उसके भी आउटर साइड बनेगा प्राइमरी फ्लोएम। अब है पोजिशन ऑफ यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी साइलम इज जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, जो मैं बता चुकी हूँ। फिर है हमारे पोजिशन ऑफ ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी साइलम इज जस्ट आउटसाइड द प्राइमरी साइलम। जैसे कि हमारे ये सेकेंडरी साइलम बना एंड ये है हमारे प्राइमरी साइलम। एंड द टाइम पासेस अमाउंट ऑफ हार्ड वुड इंक्रीज मोर एज कम्पेयर टू शेप वुड। यहाँ क्या है हमारी, जैसे जैसे टाइम खत्म होता है हार्ड वुड जो है नंबर में बहुत ज्यादा बनने लग जाती है कंपेयर टू शेप वुड। ठीक है, अब है हमारे वुड का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बेस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा वुड। पैरेन्काइमा वुड की वजह से इसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है, दो टाइप की होती है, एक होती है मेनोजाइलिक ए तो होती है पिकनोजाइलिक। अब मेनोजाइलिक वुड में क्या होता है, इस टाइप की वुड कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा। ये हमारे लिविंग पैरेन्काइमा सेल से मिलकर के बनी हुई रहती है। इट इज लूज वुड जो कि साइकस में प्रेजेंट होती है, जबकि पिक्नोजाइलिक जो वुड होती है हमारी लेस अमाउंट में लिविंग पैरेन्काइमा होती है एंड कॉनिफर्स जो कि पाइनस जो होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहती है। अब है हमारे वेसल्स की बेस के ऊपर हमारी वुड की टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेसल्स वुड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होती है नॉन पोरस वुड, एक होती है पोरस। अब नॉन पोरस में क्या होता है, वेसल्स जो होती है एब्सेंट होती है इस टाइप की वुड में, और ये मोस्टली किसमें पाई जाती है, हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर ये प्रेजेंट रहती है, इसका एग्जाम्पल है। अब पोरस जो है उसको हिट्रो चाइलियस भी बोला गया, इसको होमोचाइलस वुड भी बोला गया। इसमें वेसल्स जो होते हैं हमारे पोरस या हेट्रोचाइलस वाली वुड में वेसल्स प्रेजेंट होती है एंड ये है हमारे डाइकोट मोस्टली जिसमें एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेसल्स के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन था। एक था हमारे अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, जिसके अंदर क्या है लिविंग पैरेन्काइमा का नंबर ज्यादा है वो मेनोजाइलिक है, जिसमें कम है लिविंग पैरेन्काइमा का नंबर वो है पिक्नोजाइलिक एंड इनके एग्जांपल। इस तरह से वेसल्स जो है हमारी एब्सेंट होती है नॉन पोरस वुड में एंड प्रेजेंट होती है पोरस वुड में। अब है एक है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स पोरस वुड। अब वेसल्स पोरस वुड के अरेंजमेंट के बेस के ऊपर भी क्या है, इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है हमारे रिंग पोरस वुड एंड एक है डिफ्यूज्ड पोरस वुड। वेसल्स आर अरेंज्ड इन द रिंग इन दिस टाइप ऑफ वुड। यहाँ क्या है, वेसल्स अरेंज्ड होती है एक रिंग के रूप में इस वुड में। एग्जाम्पल है हमारे टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स है, जैसे कि डेलवर्जिया। ठीक है, अब डिफ्यूज में क्या है, एसिमेट्रिकल डिफ्यूजन पाया जाता है वेसल्स का इस वुड के अंदर। और ये कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन प्लांट्स में, जैसे हमारी नीम जो है एज अ डायरेक्टा इंडिका, उसके अंदर मोस्ट ड्यूरेबल वुड टेक्टोना ग्रैंडिस जिसको टेक सागवान भी बोला जाता है, उनके अंदर क्या है इस टाइप की वुड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन बाय कॉर्कैम्बियम। कॉर्कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रही है, एक्स्ट्रा स्टिलर मतलब स्टिलर रीजन जो है उसके, जो कि इसके अंदर वो तीन जो लेयर्स बन रही थी अभी हमने देखा था, जैसे फैलोजन, फैलोडोम एंड फैलम। ठीक है, जिनको पेरिडोम भी हमने बोला था कंबाइनली तीनों को। तो हम देखते हैं एक बार, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्कैम्बियम। अभी हम देख रहे थे वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, अब यहाँ है कॉर्कैम्बियम की एक्टिविटी। कॉर्कैम्बियम इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम या फैलोजन। अब इसके जो दूसरे नाम है, इसके ऊपर हमारा जो गेट है वो क्वेश्चन पूछ चुका है। फैलोजन जो है उसको क्या बोला गया है, कैम्बियम बोला गया है। कॉर्कैम्बियम को क्या बोला गया है, फैलोजन बोला गया है। सेकेंडरी कैम्बियम को क्या बोला गया है, फैलोडोम बोला गया है। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, हमने वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ देख ली, अब हम देख रहे हैं हमारे कॉर्कैम्बियम की वजह से। तो हमारे जो कॉर्कैम्बियम है उसको फैलोजन बोला जाता है, सेकेंड नेम है इसका फैलोजन।
मैं टिक करती जाती हूँ कॉर्कैम्बियम को। द सेल्स ऑफ कॉर्कैम्बियम इज नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर होती है। कॉर्कैम्बियम डेवलप्स यूजुअली इन कॉर्टिकल रीजन बाय हाइपोडर्मिस। कॉर्टिकल रीजन के अंदर क्या है, हाइपोडर्मिस जो है, बाय हाइपोडर्मिस के थ्रू क्या है, कॉर्कैम्बियम यूजुअली हमारा डेवलप होता है। एट द स्टेम कंटिन्यूस टू इंक्रीज इन ग्रिप ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर्स गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर। अब यहाँ क्या होता है, उसके बाद क्या बन रहा है, सूनर और लेटर अनदर मेटास्टेटिक टिश्यूज बन रहा है कॉर्कैम्बियम, इसको बोला गया है फैलोजन डेवलप्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा क्या है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है स्टेम की एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से, आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर्स का गेट वो ब्रोकन होती है, नीड होती है उसको रिप्लेस होने की, प्रोवाइड करवाती है न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। अब बाद में ये जो लेयर है अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बोला गया है कॉर्कैम्बियम या फिर फैलोजन डेवलप होता है। फिर है कॉर्कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस से ये डिराइव्ड होता है बाय डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। कॉर्कैम्बियम इज सिंगल और ए कपल ऑफ लेयर थिक। ठीक है, इस फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। कॉर्कैम्बियम डिवाइड्स पेरिटोनियली टू फॉर्म सम सेल्स टुवर्ड द आउटर साइड एंड सम सेल्स टुवर्ड द इनर साइड। कुछ सेल्स जो होता है आउटर साइड एपिडर्मिस की तरफ, कुछ बनाता है इनर साइड क्योंकि जनरल कॉर्टेक्स की तरफ प्रेजेंट होती है। दो सेल्स विच आर फॉर्म टुवर्ड्स आउटसाइड, जो सेल बाहर की तरफ बनती है बिकम वो सुबेराइज्ड होती है। ड्यू टू दिस These cells become dead, ये होती है dead type क्योंकि सुबेरीन से ये लिग्निफाइड होती है। ठीक है, सॉरी सुबेरीन इनके ऊपर क्या है प्रेजेंट होता है, जिस वजह से क्या है ये डेड होती है। अब दीज डेड सेल्स को, इन्हीं जो डेड सेल्स है इनको बोला गया है कॉर्क, जिसका सेकेंड नेम है हमारे फैलम। ये चीज आपको ध्यान रखना, कैसे बन रहा है ये, जो कि हमारे आउटर साइड की तरफ जो टिश्यूज बन रहे हैं टुवर्ड्स द एपिडर्मिस की तरफ, यहाँ क्या है जो लेयर है सुबेराइज्ड यानी सुबेरीन से कवर की हुई रहती है, जिसकी वजह से ये सेल्स क्या होती है डेड होती है। अब ये डेड सेल्स होते हैं इन्हीं को बोला गया है कॉर्क या फैलम। दो सेल्स विच आर फॉर्म, अब क्या है ये आउटर साइड बन गई फैलम। ठीक है, अब जो इनर साइड डिफरेंशिएटेड हो रही है इनटू पैरेन्काइमा एंड मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट से बनती है, एंड इन सेल्स को बोला गया है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फैलोडोम। कॉर्क, सॉरी मैं उस लिंक फैलो, सॉरी फैलम, फिर बन रहा है फैलोजन, फिर बन रहा है फैलोडोम। अब जो फैलम है इसको बोला गया है कॉर्क, इसको बोला गया है कॉर्कैम्बियम, एंड जो लास्ट वाली है इसको बोला गया है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब सबसे पहले हमारी फैलोजन कॉर्कैम्बियम बनता है, इसके टुवर्ड्स द आउटर साइड कॉर्क बनता है, इनर साइड हमारे बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला गया है, पेरिडोम बोला जाता है कलेक्टिवली। मैं लिखूं पेरिडोम, ये आपको ध्यान होना चाहिए, इनके दोनों नेम्स भी ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब है फैलम, फैलोजन, फैलोडोम आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडोम। द कॉर्क इज इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरीन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। सुबेरीन के डिपोजिशन की वजह से क्या है हमारे डेड लेयर में कन्वर्ट होती है। कॉमर्शियली कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम क्यूरकस सुबर, जो कि ऑक ट्री जो है या प्लांट जो है उसमें प्रेजेंट होती है। कॉमन वाटर कॉर्क इज मेड अप फ्रॉम दिस कॉर्क। फिर है कॉर्क इज फॉर्म्ड इन हाईली क्वांटिटेटिवली एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज इन लेस क्वांटिटेटिवली बिकॉज एक्टिविटी ऑफ कॉर्कैम्बियम इज मोर टुवर्ड्स द आउटर साइड। आउटर साइड जो है हमारे कॉर्कैम्बियम बनने की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या है हमारे कॉर्क फॉर्म होता है हाई क्वालिटी में, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है वो लेस क्वांटिटी में हमारे बनता है। Due to activity of the corcambium, pressure builds up on the remaining layer peripheral to phallogen and ultimately these layers die and slough off.
Pig or cork cambium remains living and active only one year. Each year a new cork cambium form below the previous cambium. This new cambium is derived from secondary cortex and phalloderm. हर साल न्यू लेयर्स का फॉर्मेशन होता है All the tissues which occur outside the innermost cork cambium are collectively called as rhytidome. तो rhytidome क्या है? Includes cork and tissue which become dead due to the pressure of cork. यहाँ क्या है? At the tissues which occur outside the innermost cork cambium, उसको बोला गया है हमारे rhytidome. Rhytidome क्या है? इसमें include रहता है cork and tissue जो कि dead होते हैं become due to the pressure of cork. ठीक है, अब हमारे हैं आउटर लेयर की तरफ. सबसे आउटर लेयर में हमारे प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में लेंटिसेल्स. एट सर्टेन रीजंस द कॉर्क कैम्बियम कट ऑफ फॉर्म्स क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स. दिस थिन वॉल्ड राउंडेड कलरलेस पैरेन्काइमेटा सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. These cells are not suberized. ये cells जो है वो suberized नहीं होती है. At the complementary cell, increase in number, pressure is inserted on the epidermis due to which it ruptures, forming a lens-shaped opening called lenticels. ठीक है, complementary cells जो होती formed by the activity of cork cambium. Cork cambium की activity की वजह से हमारे complementary cells का formation होता है. डायग्राम देखिए, ये देखो एपिडर्मिस बीच बीच में से हमारी रप्चर होती है. देखो लेंस शेप की यहाँ हमारे लेंटिसेल्स का प्रेजेंट होती है. ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये है कॉर्क कैम्बियम की वजह से ही ये बनती है. एंड ये है हमारे सेकेंडरी कॉर्टेक्स. अब लेंटिसेल्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ वुडी ट्रीज. वुडी ट्रीज में मोस्टली हमारे क्या है लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्टेम के अंदर. इस तरह से लेंस शेप के एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं. एब्सेंट रहते हैं ये वुडी क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके अंदर. लेंटिसेल्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑन वुडी स्टेम्स एंड दे आर नेवर फाउंड ऑन लीव्स. दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सम फ्रूट्स. फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है. लेंटिसेल्स आर नॉट फाउंड इन हर्बेशियस डायकॉट्स एंड मोनोकोट. प्लांट के अंदर ये टोटली एब्सेंट होते हैं. अभी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को. इस तरह से स्टेम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. लेंटिसेल परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम. ये इसका मेन फंक्शन होता है हमारे लेंटिसेल्स. एंड सेकेंड है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं. वेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो कि 0.1% हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है. लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन 90% हमारे ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा से प्रेजेंट होता है. एंड 5-10% हमारे होता है हाइड्राथॉर्स के थ्रू. ठीक है, अब है बार्क. बार्क जो होती है हमारे वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. अगर हम देखें अब बार्क क्या होती है हम ये भी समझते हैं. बार्क कितने टाइप की होती है, किस किस टाइप की होती है. ठीक है, यहां तक हम देखते हैं. तो बार्क देयर आर टू व्यूज अबाउट द बार्क. बार्क अपने आप में एक सब टॉपिक है. बार्क देयर आर टू व्यूज अबाउट द बार्क. एक है ओल्ड व्यू से हम देखें एंड मॉडर्न व्यू. ऑल द टिश्यू सिचुएटेड आउटसाइड द कॉर्क कैम्बियम. जो कॉर्क कैम्बियम के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं ठीक है उसको बोला गया है बार्क. अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू बार्क इंक्लूड्स मेनली डेड टिश्यू. ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है हमारी बार्क जो होती है वो एक डेड टिश्यू होता है जो कि कॉर्क कैम्बियम के आउटर साइड प्रेजेंट रहती है. अब मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम देयरफॉर इंक्लूड सेकेंडरी फ्लूइड. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू जो बार्क होती है इसके अंदर लिविंग एंड डेड दोनों टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जबकि ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ओनली डेड टिश्यू से ही मिलकर के बनी हुई रहती है. अब है हमारे काइंड्स ऑफ बार्क. एक है रिंग बार्क, सेकंड है स्केली बार्क. तो रिंग बार्क में हम देखें शीट बार्क भी बोला गया. कंटिन्यूस बार्क ऑफ इक्वल थिकनिंग इज कॉल्ड रिंग. इसमें क्या है इक्वल थिकनिंग पाई जाती है जिसको रिंग बार्क बोला गया है.
अब है, इट इज फॉर्म्ड अराउंड द स्टेम इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट रिंग। यहाँ क्या है, ये पाई जाती है स्टेम के चारों ओर एक कंप्लीट रिंग के रूप में प्रेजेंट रहती है। व्हेन कॉर्कैम्बियम इज कंटिन्यूस देन रिंग बार इज फॉर्म। कॉर्कैम्बियम हमारे कंटिन्यूस रहता है तो ही रिंग बार का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पूरी कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल है भोजपत्र, ए कंप्लीट डिस्टिंक्ट रिंग बार इज फॉर्म्ड इन दिस प्लांट। इट बार्क वाज यूज एज ए राइटिंग मटेरियल ऑब्लिक एज ए पेपर इन इंसिडेंट पीरियड। पहले के टाइम में आपने देखा होगा इस तरह से फोल्ड किया हुआ, रोल किया हुआ आपको कुछ भी लिफाफा टाइप का या फिर कोई भी लेटर वगैरह मिलता था, जैसे कि इस तरह से फोल्ड किया हुआ अगर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ उसके ऊपर राइटिंग होती थी, वो लोग इस तरह से उसको फोल्ड करके इस तरह से रीड करते थे अगर आप लोगों ने देखा हो तो। वो क्या थे, वो भोजपत्र का एक पत्ता होता था, ठीक है। तो ये देखो, राइटिंग मटेरियल एक पेपर इन डिस्टिंक्ट पीरियड, जो कि पेपर को हम काम में लेते थे। ओनली कॉर्क लेयर इज यूज्ड, बार्किंग इज आल्सो फॉर्म्ड इन यूकेलिप्टस में भी हमारी बार्किंग प्रेजेंट रहती है भोजपत्र के अलावा। तो आपको लर्न होना चाहिए दोनों एग्जांपल्स। अब हमारे स्केलीबार, आपको पता है रिंग बार्क में क्या था, पूरी कंटिन्यूस रिंग थी कॉर्कैम्बियम की कंटिन्यूटी की वजह से। यहाँ डिसकंटिन्यूस रिंग बनती है, अनइक्वल थिकनिंग पाई जाती है स्केलीबार्क में। फर्स्ट डिफरेंस तो आपको यही मिल गया। दिस बार्क इज फॉर्म्ड अराउंड द स्टेम इन द फॉर्म ऑफ पीसेस या फ्रेगमेंट ऑफ पैचेस के फॉर्म में ये बनता है स्टेम के चारों तरफ। When corcambium is discontinued, scalybark form होती है corcambium की discontinuity की वजह से, और ये present होती है हमारे कवावा के अंदर। Neem जो है as a directa indica, आम जो है हमारा mango, mangifera indica and thermint जो की इमली, etc. जो plants है highly distinct scalybark जो है इसके अंदर present होती है, is formed in cydium जिसको बोला गया है हमारे गवावा। स्केलीबार्क इज फॉर्म्ड इन मोस्ट ऑफ द वुडी प्लांट्स के अंदर हमारे प्रेजेंट रहती है। फिर है इफ बार्क इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, अगर हमने क्या किया बार्क को रिमूव कर दिया एक रिंग के फॉर्म के अंदर, फ्रॉम द बेस ऑफ मैन स्टेम देन रूट डाई फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ द फूड। यहाँ क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ बार्क प्रेजेंट है, यहाँ इस वाले पार्ट को हमने कट ही कर दिया, इस तरह से इस टाइप का कट हमने लगा दिया। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ क्या है, रूट डाइज फर्स्ट, सबसे पहले रूट मैन स्टेम देन रूट डाइड फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ द फूड, क्योंकि इस तरह से फूड जो है हमारे प्लांट्स के अंदर आएगा जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इस तरह से हमने कट लगा दिया, ठीक है। Not possible in dicot stem because vascular bundles are scattered इसके अंदर present रहते हैं dicot के अंदर, sorry monocots के अंदर। Complete ring is removed then plant die up to excess water loss। Excess water loss के कारण क्या है, हमारे plant die हो जाएगा complete bark को अगर हम remove कर देते हैं plant से। तो bark that is formed अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क। बार्क अगर बनती है अर्ली सीजन में तो उसको सॉफ्ट बार्क बोला गया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन में जो हमारे बार्क बनती है उसको हार्ड बार्क बोला गया है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडर्म आर इंक्लूड इन बार्क। बार्क में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, हमारे सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडर्म जो है वो हमारे इंक्लूड रहती है। हार्डवुड जो बनती है स्टार्टिंग के सीजन में एंड हमारे बनती है सॉफ्टवुड अर्ली सीजन में, ठीक है। मोनोकोट्स में क्या है, पॉसिबल नहीं क्योंकि वैस्कुलर बंडल क्या है स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारे पूरे स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है, उसके अंदर बार्क किस टाइप की बनती है, हमारे वुड कैसी होती है, लेंटिसेल्स क्या होती है, एंड हमने कॉर्कैम्बियम की एक्टिविटी भी देख ली, वुड भी देख लिया, एंड हमने क्या क्या देखा था, शैपवुड हॉटवुड भी देख लिया, मतलब ऑल ओवर जो भी चीजें थी हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट के स्टेम में जो आनी चाहिए थी वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से देख ली एंड कॉर्कैम्बियम की वजह से भी हमने देख ली। पूरा स्टेम के बारे में हमने कवर अप कर लिया। अब है हमारे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो आपको देखने में थोड़ा सा बोरियत सा फील हो, क्योंकि जो टॉपिक्स है मतलब इतना में कुछ समझाने लायक है नहीं, थोड़ा लर्न करने जैसा है, तो समझाने की चीज थी वो मैंने आपकी क्लियर की। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।